रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक शाहिद और तुसाडे दे पियो यूट्यूब चैनल बेला कुकर वीवर खैरियत दे ठीक ठाक हो सेहत दे ठीक है। वीवर जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आल को लाजमी दबे से जड़ी नवी आवण वाली वीडियो है उन पर नोटिफिकेशन आवे सी। और मैं टाइम खड़ा थी चौक दे अल मदीना बुक सेंटर दे उते और अज एक प्रोग्राम है पिया मियाँ आलमदार अब्बास कुरैशी दा और बहुत बड़ा प्रोग्राम है। पावर शो दिखेंदे पैन पीपी 269 और कोल कैम मस्तोई यूनियन काउंसिल दे विच और सारी तैयारी है पी। और मेरे नाल मियाँ गुलाम अब्बास कुरैशी साहब और सारे मलिक अख्तर बाम साहब उन्हें बैठन थे और असा ही में वेंदे पे कट्ठे किथा जलसे दे उते रैली दे नाल और इंशाल्लाह दुआ को भी दिखवेने के अभी क्या पोजीशन है पी पीपी 269 दे विच एमपीए मियां आलमदार अब्बास कुरैशी बन वे वेंदा पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इवें असा पहुंच गए हैं कॉलेज कलो और इवें वेंदे पे हैं अज्जा बाले वाली तरफ और केड़ी जगह जगह का क्या नाम है जिथे जुलते पे हैं दरी डिंगे वाली दरी हाँ डिंगे वाली दरी डिंगे वाली दरी दे वेंदे पे और अगो है ब्याजान द स्कूल और एक कोई लंच चाहिए बदे हैं उनका कोई लंच जेमने और वो दे के उन्हें बाद बुला जाएगा की साइड तो है भैया आयान द स्कूल एक्सीलेंट दी एक्सीलेंट ठीक है भाई आजो भाई आजो भाई जल्दी आओ। हेलो एक्सक्यूज मी ब्रादर इधर आए कम 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 ये आयान को दे दें ठीक है जी जी भी बरते असा इधर लंच मियाँ साहब होने वाले पिस्ते रह जान चलो जुलो पे मलिक साहब जुलो पे मलिक साहब ठाठे एक है नहीं ठाठे का है मौसम हाँ मौसम ठीक है थोड़ा सा डिंगे वाली दरी दे उते ये डिंगे वाली दरी दे दरी है और इतो दूर नाले निकलते पन एक सरदार नाला बिया केड़ा नाला है मेरा कहता नांग नाला एक सरदार ते बिया नांग ए सरदार है ओ नांग है नांग ते सरदार ने गिन और खटाई थी पिए और ए जरा ना इथा इवें समझो के पक्के नाले थी पन और ए सामने असा आ गए जलसे गाह दे विच ए सामने प्रोग्राम इवे पिया जुलदे पे आगो डे थे ए से जलसे दी इंतजामिया टीम से खैर है ठीक हो वाह ए जलसे दे पहुंच गए सही ऐसा ठीक होय होय ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर सारा जलसा प्रोग्राम आवे दरबिया सबीता सीता ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर तबीयत ठीक है सर अल्लाह पान सही तो मिजाज ठीक है उनसे खैरियत है ठीक हो भैया जी पाकिस्तान ठीक है फिट है द्वारो खान साहब खैर है ठीक हो फिट हो रबीता जी तक ठीक है उनसे माशाल्लाह बहुत बड़ा दस प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह मिला मिला लगदार साहब को जितने ने पे है माशाल्लाह माशाल्लाह साहब को लंबी लीड नाल जितने ने पे है माशाल्लाह माशाल्लाह हमने पैसा इलाका सोल पे मस्तो और चंद्र सेठ भी वो भी तशरीफ लेने माशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदाबाद पुरस्कार कमदाद कुरैशी के तमाम ओहदेदारान तशरीफ लेने सारे बाप उन्हें की तालियां दे सकवाल करो यार मैं माने दा तालियां बजा के सारे बाप माशाल्लाह मस्ती आले महल्ला सारे बाप एक बारी बोला ऐलान सुन गिनो आज इस मकाम ते हाजी खान मस्तोई साहब से ने शेर खान सदी खान नदीम खान मस्तोई साहब से ने सारे आज बेहतरीन
एक जलसा मुनक्कद किया पाए चंदे मेहमानान करामी मन्ने उम्मीदवार मारशाद मसियाल साहब और मनपी उम्मीदवार जनाब मियां रमदार अब्बास कुरैशी साहब फौरन उन्हें तशरीफ लाने जलसा का दे अंदर तमाम हजरात उन्हां दा इस्तकबाल कीते जल्दी जल्दी पंडाल दे अंदर तशरीफ करनाओ सारे प्रेस क्लब के अहदेदारां दा पूरा सारे भरपूर इस्तकबाल करे ने चौक कुरैशी दे सारे प्रेस क्लब वाले मौजूद हैं असा सारे ने मेहमान दा भरपूर अंदाज दे अंदर इस्तकबाल करे ने थोड़ी देर बाद जब जगह जंदा तशरीफ करना मरवाने तशरीफ करना जनाब इज्जत मान में हबीबुल्लाह कुरैशी साहब चेयरमैन साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल करीमदाद कुरैशी उन्हें गुहार पवाया गया और सचिन की तरफ गिनाया गया करके अपने हर दिन दिल अजीज का रहनुमाओं का इस्तकबाल तालियां मार के सारे आबाद खुशहाल से इंशाल्लाह कामयाबी करीब इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी सारे बिरादरी की बड़ी मेहरबानी मैं सारे आबाब का नाम गिना तो बहुत प्यारे सारे आबाब बारा दिन बिरादरी ने मना उन्हें सारे हाजी मोहम्मद खान साहब ने तंबीह करके आके इंशाल्लाह 8 फरवरी जितना वोट मियां आलमदार अब्बास कुरैशी साहब के नाल वोट भी देसी सपोर्ट भी करे सो इंशाल्लाह सारे कुछ ताड़े में औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दोस्तों भिरावो अस्सलाम वालेकुम तकरीर तो जी लंबी करनी वो मार सक करे सन मैं मेजबान हाँ क्योंकि मेरा घर है
मैं मेजबान हाँ इवें समझो सारी अपनी जी कौंसल है ते मैं तुहाडे कोलों सिर्फ सिर्फ एक गल करनी है कि मेहरबानी करे सो हो अज जड़ा इत्थे मैं आया और जलसे दे विच विच इकट्ठ दे विच सिर्फ इको मकसद है अज मैं तुहाडे कोलों सिर्फ मान साहिब दा वोट मंगण आया मेहरबानी करके कई दोस्त दे ज़हने कोई गल होवे तो कट छोड़े और मार इरशाद अहमद सियाल दे वोट यूनियन कौंसल गुल कायम मस्तोई विचों मेरे कोलों ज्यादा होने चाहिए। देखो मैं जरा खिदमत की है तुम्हारे सामने है और इहदे च भी कोई शक है नहीं तुसां ही सानू मुहब्बत की है यूनियन कौंसल गुल कायम मस्तोई दे दोस्त ने सानू भरपूर मुहब्बत की है और तुहाडी वजह करके असीं इन्हें सटेज ते पहुंचे हैं ये सारी बेस है ते तुहाडे कोलों इह रिक्वेस्ट करे ना तुसां मेहरबानी करो सो मार साहब दा क्योंकि मैं विच कुछ ना कुछ गाली सुनन कुछ राणा बिरादरी कुछ ही मैं थोड़ा जहां आदा कि मेहरबानी करो सो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह दी जात करे दर क्या तकना मेरी वल वल दी तौबा है परसों वाली दीवार तुसा एम पी हो सो एमएलए हो सो लिहाजा जेहियां तुम्हारे सहने की गालियां वो खत्म करके मेहरबानी करके जितनी वोट मेरे निकले वो जितनी वोट मार साहब के निकले मेहरबानी खुदा हाफिज़ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਓ ਨਾਲ ਸਰੈਕੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀਤ ਦਿਖੇ ਸਨ ਮਾਰ ਤੇ ਅਲਮਦਾਰ ਵੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਖੜੇ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਖੜੇ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਰ ਮਾਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਮਾ ਸਿਆ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीब अल्लाह मोहतरम भाई मियां अलमदार अब्बास कुरैशी साहब इंशाअल्लाह एमपीए स्टेज ते बैठे हो इलाके दे तमाम अकाबरीन हमायदीन और इस जलसा दे विच मौजूद इलाके दे तमाम बिरादरां दे मुअज़्ज़िज़ीन अकाबरीन बुजुर्गो दोस्तो नौजवानों अस्सलाम अलैकुम। सब तो पहले मैं इस जलसा दे अपने मेज़बानां दा बेहद मशकूर हाँ शुक्रिया अदा करें कि जिन्हें इकबाल कीते खूबसूरत कट कीते अज इलेक्शन दा कंपेन का आखिरी दिन है परसों खैर का इलेक्शन असा जट हैं तो जिमें असा कच्चे दाना दाना हेठी खिंडेने हैं तो चार महीने बाद फसल बालू में दाना दाना कटी अगर ढेरी चंगी हुए तो जट को बड़ी खुशी थी खुदा न खासता कोई हवा पै गई वबा पै गए औसा सही ना निकले तो वाल मायूसी साड़ी विडू त्रै महीने तो एक कंपेन है डेढ़ महीना जी अस सर्दी के कंपेन की है और अस दोस्तों भी तंग किए थोड़े सामने वो जिमें दाना दाना जुगा जुगा फिर उनका नचोड़ परसों निकल गया इन्ना जलसा का फायदा शो शोपे बेहतर रिजल्ट जो भोले तो मेरे को नेक तवक्को है जहर है जो इंसान इतनी भरी भरपूर कोशिश करें साड़ी हौसला अफजाई वास्ते साड़ी इज्जत अफजाई वास्ते तो यकीनन भोले तुम्हें को बेहतर रिजल्ट करे तो भरावो दोस्तों तमाम जमात थोड़े सामने कैंडिडेट भी थोड़े सामने मेरा इतना पहला इलेक्शन कोई मेरा सियासी वास्ता नहीं जाती वास्ते इतों के चीदा चीदा शख्सियात नाल जरूर हो लेकिन आम पब्लिक नाल कोई वल वास्ता इतना नहीं तो मैं अगर आखा कि मैं फलां कीता मैं तो कुछ नहीं कीता मैं हुण आया
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਵਿਕਣ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰੀਦ ਕਰ ਗਏ ਨੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਜਿਜ਼ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਸੰਸੀ ਤਕਲੇਰ ਅਕਸਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਸਾਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਫ ਦੱਸੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਸਾਂ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਖੁਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹਰੂਮੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਚੌਕ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬੈਨ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੈਸ ਹੀ ਲਵੇ ਸੋ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਵੀ ਕਰੇ ਸੋ ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ ਇਹ ਐਮ ਪੀ ਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਐਮ ਪੀ ਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਸ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਮੀਆਂ ਆਲਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾਦਰ ਆਫਿਸ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲੰਦਨ ਚੋਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਸਿਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਉਥਾਈ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਦੇ ਬੈਠਣ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਵਜੋ ਇੱਕ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਖਿੱਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਇਤਨੇ ਮਿਚੋਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਹੀ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਮ ਜੱਟ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਹਿ ਜਮਾਤ ਤੇ ਜਾਏ ਦਹ ਨੁਕਾਤੀ ਕੌਮ ਕੋ ਮਨਸ਼ੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਸੈਲਾਬ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹਰਜਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਨਾ ਵੇਚੇ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਦੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਫਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਸੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨਾ ਸਮਝਾਏ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਕਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਪੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਮੁਸਤਹਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਥੀ ਵੇਣ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਜਮਾਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ 2000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ 10,500 ਥੀ ਗਏ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 20,000 ਤੇ ਗਏ ਅਗਰ ਗੁਲ ਕੈ ਮਸਤੋਈ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ 100 ਔਰਤ ਪੈਸਾ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਦਾਦ 150 ਜਾਂ 200 ਤੇ ਗਿਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਿੱਤੇ ਕਹੀਂ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਥਈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਹੋਣੇ
और इतु हटके जेरी पीपल्स पार्टी की खिदमत भुट्टू साहब से जमानत तो हक को शनाख्ती कार्ड तुला मुल्क को एटम बम तुला और मुल्क को कानून तुला मुल्क के गरीब अवाम को कहीं को दुबई कहीं को कुवैत कहीं को लंदन कहीं को कनाडा कहीं को अमेरिका कहीं को जर्मनी कहीं को जापान भेज के ताकि लोग बहर भंजन पैसा कमावें मुल्क की खुशहाली आवे तब भुट्टो साहब दुनिया को बहर भेज दे इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस थी जुम्मे की छुट्टी थी सब तो बड़ी जड़ी है कि वो दीन की खिदमत है कि मिर्जाया को काफिर करार दिया कि जिंदा अकीदा है में नबूवत यकीन वो काफिर और मुर्तद है वो मुसलमान नहीं हो सकता वो वाजिब हो जाता तो जिले कानून पास कराए उस यहूदी लाबी दी धमकी है कि भुट्टो आप अपनी मौत के परवाने पर दस सकता तो भुट्टो साहब क्या कि इसके रसूल में मुझे 100 मर्तबा कुर्बान होना पड़े तो मैं कुर्बान होने को तैयार हूं जिंदाबाद तब हिरावो दोस्तों यही वजह है जेड़े भुट्टो को मिटावन वाले हैं वो मिट गए जिको 45 साल पहले फांसी दी थी आज ही मुल्क दे कोने कोने च नारा है जिंदा है भुट्टो जिंदा है ए इश्क रसूल दी मोहब्बत पाक नबी दी जुतियां दा सदका ए सारी अता है ते कयामत तक रहन ते भिरावा दोस्तों मुहतरमा बेनजीर भुट्टो है उन्हें मुजफ्फरगढ़ को थर्मल दिता ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਏਰੀਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਨਪੁਰ ਬੱਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਮਿਲ ਛਿਲ ਮਾਮੂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਿਸਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਗਾ ਜਦੀਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੱਲ ਉਹਨੇ 1,00,000 ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ थोड़े जे टाइम मिलते हैं 18 महीने की हुकूमत मुल्क ऐसे काम करके गई है कि वल कोई 5-5 साल पूरे करने वाले मुल्क में 40-40 साल हुक्मरानी करने वाले निकल मेरे को याद है एक दफा उन वक्त जले सरदार सरदार मंजूर खान बीबी को मिला 94 की गल लिस्ट दी थी बीबी ये मेरा बेटा है ये मेरी बेटी है ये मेरा दामाद है और ये मेरी अपनी फाइल है मैंने पार्टी की खिदमत की है मुझे जज बना दे ये मेरा भतीजा है 8-9 फाइलें दी बीबी सुन के एक साइड से रख दिए साइन कर सरदार साहब कोई और हुक्म ओके ना ओके ये सारे आपके अप्रूव हो गए हैं मुझे ये पता है कि ये जो आपने सारी इतनी जद्दोजहद की है इसमें सिर्फ आप अकेले थे पीपल्स पार्टी का कोई गरीब साथी आपके साथ कोई नहीं था पीपल्स पार्टी का कोई और वर्कर नहीं था आप इस तरह करें ये तब होंगे इतने मेरे कारकुनों के और मेरे पार्टी दोस्तों के उद्देदारों के जिन्होंने कोड़े खाए हैं जिन्होंने जेलें बर्दाश्त की हैं उनके बच्चों के कागजात ले फिर आपको ये आर्डर मिलेगा ऐसे लीडर की तरह सारे को जलसा की तस्पंजी को सतावी को शहीद थी साकू लैंड खड़ा करके मलिक गुलाम रबानी खर जे बंदा लैंड खड़ा ठीक है मुझे इस बात का कसम दो मुझे इस बात का हलफ दो मेरे गरीबों का ख्याल करना मेरे मजदूरों का ख्याल करना मेरे किसानों का ख्याल करना मेरे नौजवानों का ख्याल करना इनका हाकिम ना बनो इनका खादिम वो लीडर की था मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी का झूठे दावे करेंगे 1 करोड़ घर 1 करोड़ नौकरी आ गई 50 लाख घर आ गए नहीं घर मिले ना नौकरी मिली घर भी दिते हैं तो भुट्टू ने दिते हैं तिबा करीमाबाद शहर बन गए 73 ने भुट्टू साहब बिहारी कॉलोनी भुट्टू साहब मुल्क दे वे सारे कोल खुदाई रंगपुर बड़े बड़े जमींदार कोल जमीन खास के गरीबों को भुट्टू साहब जिन्ना दी नस्ल च जमीन कोई नहीं आज माशाल्लाह जमींदार खुशहाल अपनी धी की शादी से नरेंद्र मोदी को मेहमान खसूसी बिलावल दोस्तों बिलावल साहब अगले दिन आखे लाहौर लाहौर आ जाओ मेरे को वोट दो मैं वजीर आजम बनूं तो एक बार मसला हल कर दे
लाहौर एक ऐसा अस्पताल बनवे सा जो मियां साहब हर चौथे साल लंदन इलाज हो इलाज थी लाहौर थी सी लंदन ना वजना पड़ा ते असा मियां साहब मैं मार अब्दुल हुसैन फरंगा मेरे नाल दो एमपी है मैं एमएन है वो मेरा वोट मंगते हैं मैं उन्होंने मंगता ते दिलों दिलो अल्लाह और अल्लाह दे पाक नबी को हाजिर नाजिर कर फैसले मेरे मालिक दे उन्हां दा हाल है देखो मिट्टी को उठा अजमल चांडे को ता एक कोई दोस्त महसूस ना करे कि मेरा तारुफ है नहीं मैं फलानी कौम दा मैं बिरादरी दा इंशाल्लाह ताला हलका भी रहने ते मैं आप ही अवामी बंदा हां मैं थोड़े नाल रहने मैं हर बिरादरी को वैसा हर बिरादरी के नुमाइंदे को वैसा डोर टू डोर फेसा इंशाल्लाह ताला अगर हाथ पै गया तो वल तो आपको आख सुन एक मोड़े ते लांदे आओ ते बेंदे बांदे न पिया तो वाली इंशाल्लाह तुम्हारे नाल मोड़े नाल मोड़ा रला के कर सुन तुम्हारी सारी मोहब्बत पाते दोस्ती इसको दीवार नहीं आ सकती ते मैं आखिर दे विच दरिया की माणी नेड़े ते मेरा घर दरिया की कंधी कई दफा डठे ते कई दफा बैर निकले जिथू ठा लगी खड़ी होने ते उथू बंदा चढ़न पै होने देख तो तू सिर ते ना आप उठी इवें समझो पर उठा लग जेड़ी ठा ते लोड़ दी सत्ते छोवे उस मन दे लगन तो बचिए राती तार दरिया च बड़िए ना तत्ते थल दे भजन तो बचिए नंगी पई रहे लाश नदीम निसंग दे दुश्मन दे भजन तो बचिए चंगी नस्ल का दुश्मन बेहतर है बे नस्ले सजन तो बचिए बड़ी मेहरबानी उठी के नारा तकबीर नारा मारी शाद मसीहा मियां आलमदार अब्बास कुरैशी पूरी खिलाड़ी जी वीवर के जिवें जलसा खत्म हो गए और सारी भी तैयारी है और इडो सारे लोग मैं समझो के वेंदे पैन और मार्श इरशाद सियाला जिवें आखिरी डे पिया जिमें तकरीर खत्म करके मैं जल्दी जल्दी स्टेज तो लथन और भी ज्यादा टाइम है भी और लेट है पर ये भी दरी डिंगा और एडो मखलूक वेंदी पी है और नाल नाल जी जी कौन आया बता तो असली तो ना ना ये सब आ गए वे ਇਹ ਮਾਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਭੱਜਾ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗੋ ਤਰੇ ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਬਾਇਓ ਮਨ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ